नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज अपने साथ जुड़ी हुई है टाटा की टिगोर। यह सीएनजी मॉडल है, टॉप मॉडल में है ये एक्सजेड प्लस। ये मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ डिगावड़ा में, डिगावड़ा अलवर में। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस आपको 8.5 लाख रुपए की देखने को मिल जाती है, और ऑन रोड की बात करें तो आपको 10 लाख की मिलती है। और आप जैसे नेगोशिएट करते हो तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाता है 50,000 तक का, 9.5 की आपको पड़ जाएगी ये ऑन रोड। तो आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको डिगावड़ा अलवर में, आपको शोरूम है टाटा क्लासिक के नाम से, वहाँ के आपके सेल्समैन को मिलाते हैं आपसे, वो आपको इंटरव्यू देंगे। मेरा नाम रविंदर है, मैं टाटा क्लासिक मोटर्स में हूँ। अपना ये डिगावड़ा जो शोरूम है क्लासिक मोटर्स के नाम से, यहाँ मैं ही बैठता हूँ। कोई भी गाड़ी के लिए रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, गाड़ी के कोई प्राइस के अकॉर्डिंग कोई गाड़ी देखनी हो, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर में भैया को मैं डाल दूंगा। और अपना ये शोरूम राजगढ़ से थोड़ा सा पहले पड़ता है, आप कभी भी विजिट कीजिए। कोई भी गाड़ी की जानकारी चाहिए आप कभी भी आइए, मैं ही मिलूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट से। तो ये आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, लो बीम वाली, और हाई बीम आपको हेलोजन बल्ब में मिलते हैं। दोनों ही हेलोजन बल्ब हैं, और लो बीम आपको प्रोजेक्टर में मिल जाता है हेलोजन बल्ब। यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है लाइट के ऊपर, लाइट के सराउंडिंग में आपको क्रोम मिल जाता है अंदर। ये आपको क्रोम पट्टी मिल जाती है ग्रिल के नीचे, या आपको ग्रिल मिल जाती है क्रोम के साथ में, क्रोम का टच दिया हुआ है। ट्राई एरो टाइप की ग्रिल मिल जाती है आपको इसमें। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक फिनिश काफी अच्छा लग रहा है टाटा के लोगो के साथ में। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको रेडिएटर के लिए आवाजाने के लिए ग्रिल दे रखी है, यहाँ पे भी आपको क्रोम दिया हुआ है क्रोम की पट्टी। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, फॉग लैंप के सराउंडिंग में आपको क्रोम मिल जाता है। ये आपको वेंट दिए हुए हैं एरोडायनेमिक्स के लिए, डिजाइन के लिए है ये। इसके साइड से बात करें तो साइड से कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये आपको अलॉय मिल जाते हैं आपको टॉप मॉडल में, इस तरह के अलॉय भी देखने को मिलते हैं आपको। टायर साइज की बात करें तो आपको 14 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं आपको उसमें। टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको 165R14 के टायर देखने को मिल जाते हैं आपको इसमें। यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग मिल जाती है। ये आपको ORVM मिल जाते हैं, ORVM पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ORVM देखने को मिल जाता है। ये आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं बॉडी कलर में ही, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है। ये पट्टी वहां से स्टार्ट होती है और ये ट्रेड तक जाती है, जो काफी सुंदर लुक अच्छा दे रही है इसको। रूफ में आपको शार्प एंटीना मिल जाता है, या आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाती है जो कि लंबी पूरी है। पीछे आपको लाइट ऐसी मिल जाती है, या आपको टेल लाइट जुड़ती हुई मिल जाएगी। स्लीक में आपको लाइट देखने को मिल जाती है टेल लाइट, या आपको हेलोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टिगोर की बैजिंग मिल जाती है 3D में, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको ICNG लिखा हुआ मिल जाएगा, ये CNG में, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, यहीं पे आपको पार्किंग कैमरा मिल जाता है आपको पार्किंग के लिए। इसमें आपको यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप मिल जाता है, ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। नीचे आपको क्रोम पट्टी मिल जाती है बम्पर पे। ये
इसमें डिफोगर मिल जाते हैं आपको पीछे, यहाँ पे आपको सीएनजी डिगाओ मिल जाएगा, यहाँ पे वोकल फॉर लोकल की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो बात कर लेते हैं आप इसके रियर सीट की। यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, आपको फ्यूल फिलर कैप चेक करा देता हूँ एक बार। यहीं पे आपको पेट्रोल डलवाने का मिल जाता है, यहीं पे आपको गैस डलवाने का, जो कि काफी अच्छा है सेफ्टी के पर्पज के लिए। तो बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। तो ये आपको रियर डोर मिल जाता है, इस तरह के डोल टोन में आपको रियर डोर मिल जाते हैं। इसमें आपको चार ट्विटर चार स्पीकर के साथ में मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम दिया हुआ है, यह आपको लॉक मिल जाता है इसका। तो इसकी सीटिंग पोस्चर की बात करें तो काफी अच्छा सीटिंग पोर्शन है इसका। मेरी 5.8 फीट की हाइट है, जो कि काफी अच्छी है मेरी हाइट के हिसाब से। तो आपको बीच में कप होल्डर मिल जाते हैं, और डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाता है, सेंटर में आपको LED लाइट मिल जाती है वाइट में। आपको 3 पॉइंट बेल्ट मिल जाती है, आपको सीट बेल्ट, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है हाथ रखने के लिए, जैसे ही आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आप हाथ रख के जा सकते हो। इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। आपको रियर में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिलती है, आपको फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो पीछे से आपको इस तरीके का लुक दिखाई देता है आगे की तरफ। इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वेस्ट सेंसर काम करता है इसमें। मैं आपको पहले लॉक कर देता हूँ इसको, मैंने इसको लॉक कर दिया। तो इसके रिक्वेस्ट सेंसर को देखते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर काम करता है इसका। तो आपको डोर ट्रिम देखने को मिल रही होगी, डोल टोन में इसकी डोर ट्रिम है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं, या आपको RVM का कंट्रोल मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, या आपको 4 पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, या आपको चाइल्ड लॉक का स्विच मिल जाता है यहाँ पे, या आपको क्रोम में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है आपको ग्रैब करने के लिए डोर को। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, या आपको AC वेंट मिल जाते हैं आपको, जिसके सराउंडिंग में आपको क्रोम मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइटिंग के स्विच मिल जाते हैं, इंडिकेटर का स्विच, लाइटिंग के स्विच। यहाँ पे आपको वाइपर के स्विच देखने को मिल जाते हैं, या आपको स्ट्रिंग मिल जाता है फ्लैट बॉटम के साथ में आता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है क्रोम में, यहाँ पे आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, और एक तरफ इधर एयरबैग मिल जाता है। इसमें आपको 2 एयरबैग मिलते हैं प्लस EBD ESP सारे सेफ्टी फीचर के साथ में आती है ये। तो सेंटर की बात करते हैं, सेंटर में इस तरह का लुक दिखाई देता है, या आपको क्रोम पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम के सराउंडिंग में, या आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है टच में, हरबन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको, जिसमें आपको 4 ट्विटर 4 स्पीकर के साथ मिलता है। तो बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको बटन दिए हुए हैं, ये आपको टच करने पड़ेंगे,
ये वैसे टच नहीं है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो ऐप और कॉल फ्री मिल जाती है आपको, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, आपको बूट खोलने का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सीएनजी का बटन मिल जाता है, या आपको लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है आपको। इसमें आपको मैनुअली एसी मिल जाती है, यहाँ पे आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, इसमें ऑक्स का पोर्ट नहीं आता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए, या आपको गियर बॉक्स मिल जाता है आपको 5 स्पीड प्लस रिवर्स के साथ में। स्पीड बॉक्स के सराउंडिंग में आपको ग्रे टाइप की फिनिशिंग मिल जाती है आपको, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, ये आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एक और, यहाँ पे आप थोड़ा सा सिक्के विक्के रख सकते हैं आप, यहाँ ये आपको ब्रेक लीवर मिल जाता है। इसकी सीटिंग की बात करें तो आपको फैब्रिक में इसकी सीट मिल जाती है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप करके रखती हैं आपको, या आपको डे नाइट ORVM मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, या आपको माइक मिल जाता है, यहाँ पे भी मिरर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो आपके ORVM को, ये देखो एडजस्ट हो रहे हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, या आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ भी आपको क्रोम मिल जाता है और बाहर की तरफ भी आपको क्रोम मिल जाता है इसके सराउंडिंग में। यहाँ पे आपको 2 डंडियाँ मिल जाती हैं जिनसे आप सेट कर सकते हो इसके मीटर कंसोल को। यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, इसमें आपको स्पीड दिखाई देती है इसमें। यहाँ पे आपको CNG का फ्यूल की इंडिकेटर मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको पेट्रोल दिखाता है, या आपको जैसे आपने ब्रेक पे पैर नहीं रखा तो ये आपको पैर का साइन दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें आपको फ्यूल वार्निंग भी दिखाता है, इसमें आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको CNG सिलेंडर मिल जाता है, या आपको 205 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। यहाँ पे आपको स्टेपनी देखने को मिल जाती है, स्टील व्हील में आपको स्टेपनी देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली है आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हो, या आपको 155 80R13 के टायर मिलते हैं, यानी कि 13 इंच के टायर देखने को मिलते हैं आपको इसमें। यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है कुछ सामान रखने के लिए, अंदर बैग वैग रखने के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।